आज हमारा यहाँ पर संगठन का विस्तार हो रहा है। नवजोत कश्यप जी जो हमारी यहाँ से जिला अध्यक्ष हैं, उनके नीचे जो कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष के नीचे की कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्ष, वो नियुक्त किए जा रहे हैं। और आज हम उनको नियुक्ति पत्र देंगे और आज का हमारा यही एजेंडा रहेगा। संगठन देखिए, हमारा पूरा स्टेट लेवल पर जिला जगह पूरा तैयार है और हम 2024 के चुनाव के लिए बिल्कुल तैयारी में है। और इस बार पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। जो आपस में ही गुटबाजी चल रही है, देखिए वो गुटबाजी का ऐसा नहीं होता, हर परिवार में होती है नोकझोंक, हर परिवार में होती रहती है, ये एक परिवार है। और हमारा कांग्रेस में जो है लोकतंत्र प्रणाली अपनाई जाती है, हर एक को बोलने का अधिकार है, किसी को दबाया नहीं जाता, जो भी है अपने मन की बात बोल सकता है। आप देखते हैं कि हर एक परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो वो भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन परिवार एक ही होता है और एक ही नेतृत्व के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए एक बिल पास किया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये महिलाओं के लिए बिल पास किया गया, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं और हमारे लिए महिलाओं के लिए बहुत सम्मान की बात है। बहुत देर से इंतजार था, कांग्रेस पार्टी ने ही इसको बिल को लाए थे और जो हमारे राजीव गांधी जी का वो सपना था। और जी हर रोज एक नई नई एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं, लोगों का कहना है कि राजनीति नजदीक आ रही, आज तक कभी फील्ड में नहीं गए, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं नए नए पैंतरे अपनाना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि भाई अभी चुनाव तो अब आएंगे या और होगा, तो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की है, भारत जोड़ो यात्रा पहले की उन्होंने और सभी लोगों को जोड़ा और सभी लोगों की समस्याओं को सुना, तो ये तो कोई भी कुछ भी बोल दे कर दे तो ये एक बोलने की बातें हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो हर समय फील्ड में रहते हैं, हर समय आम जन के पास रहते हैं, आम जन की समस्याएं सुनते हैं, आम जन के बारे में सोचते हैं। क्या लगता है कि जो ये एक्टिविटी हो रही है इससे कहीं ना कहीं लोगों पे उनके इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ रहा है, उनको पूरा प्यार मिल रहा है। आप देख रहे हो भारत जोड़ो यात्रा में उनको कितना प्यार मिला, कितना हजूम और जन समूह जो था उनके साथ था, लोगों ने अपनी समस्याएं भी उनके साथ साझा की और उन्होंने वादा किया कि भी मैं आपकी समस्याओं को का समाधान भी करूंगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो ताना साफ नजर आ रही थी कि अभी तक संगठन नहीं बनाया गया, तो अब मतलब चुनाव के टाइम पे संगठन की जरूरत आन पड़ी है कहीं ना कहीं? देखिए संगठन तो पहले से ही प्रक्रिया चल रही है, चलती जा रही है और मैं एक महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपने संगठन के बारे में बता सकती हूँ, ना कि जो मेन कांग्रेस का जो संगठन है कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आ रहा है और आ रहा है, तो वो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो ही बताएंगे। आज जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर सभी प्रकार की आप जो कार्यकारिणी की घोषणा वो करके जाएंगे? जी घोषणा भी करके जाएंगे, उनको नियुक्ति पत्र भी देके जाएंगे। और आप एक जो मेन समस्या है वो तो आपने की नहीं कि महिला उत्पीड़न की समस्या कितनी बड़ी है। आप देख रहे हैं जैसे कि पानीपत में अभी वारदात हुई है, महिलाओं 3 महिलाओं के साथ और एक महिला की मौत भी हो गई है। मैं परसों विजिट किया मैंने वहां पे गई, उन महिलाओं से भी मैं मिली वहां पे जाके, और कल हमारा एजिटेशन भी था पानीपत में, एजिटेशन था। तो वो महिलाएं और सारी ही जितनी भी, चाहे हरियाणा की महिलाएं हो चाहे देश की महिलाएं हो, सारी इतनी भयभीत हैं, ये इतनी भयावह स्थिति हो जाती है महिलाओं के साथ ही इस तरह की बात होना और करना उनके परिवार के लिए, उनके लिए। मैं जब मिलने गई, छोटे छोटे बच्चे थे उनके हाथ में, गोदी में थे, 1.5 साल का 2 साल का 5 साल तक के बच्चे थे, 5 बच्चे थे उनके पास उस समय, और वो बच्चे इतने डरे हुए हैं कि अपनी माँ को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है, उनको उससे चिपके हुए हैं। और हमने उन महिलाओं से भी बात की और वो इतनी परेशान हैं और वहाँ पे उनको रखा गया है घर में, एक घर में वो रह रही हैं, छुपा के उनको रखा गया है, नहीं मिलने दिया जा रहा किसी को और नहीं किया जा रहा, लेकिन हम जैसे भी करके उनको मिल के आए, उनसे बात करके आए। मैं कल वहाँ पे पानीपत एजिटेशन भी किया, तो ये क्या हो रहा है हरियाणा में, आए दिन ऐसी वारदात हो रही है और हरियाणा महिला उत्पीड़न में 3rd नंबर पर है, तो ये सरकार क्या कर रही है? कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सार्थक हो रहे हैं, ये कह रहे हैं जो हमने ठाना वो हमने किया, इन्होंने तो ठाना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो कहाँ नारा है? संदीप सिंह का मामला ले लीजिए,
उस मामले में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, एजिटेशन कर चुके, और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाते हैं, और बड़ी बेशर्मी से हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं लूंगा इस्तीफा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो ये सब उसी का नतीजा है, जब मुख्यमंत्री जी हमारे उनको संरक्षण देंगे जो महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं, जो आरोपी हैं उनको संरक्षण मिलेगा, तो ये मुद्दे और बढ़ेंगे। तो ये कहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक कर रहे हैं? मैम महिलाओं की बात चलिए, जैसे आपने कहा उत्पीड़न जैसे मामले तीसरे नंबर पे हरियाणा है जी, दूसरे पे है, तो अभी हाल ही में करनाल में एक मामला हुआ था सेक्टर 13 में जी, आपने उसमें जायजा लिया, आपके किसी का साथियों ने हमारी हमारी जिला अध्यक्ष वहाँ पे गई है, वहाँ पे पूरा जायजा लिया है, वो अपहरण हुआ था जो, उसका पूरा जायजा लिया है। हम जो भी बात होती है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।